आपने कहा था मैं एक दो दिन में आ जाऊंगा, आप अभी तक नहीं आए। कहाँ पे हो आप? मैं कब से यहाँ पे बैठी हुई हूँ। पक्का फोन कर लेना आप फ्री होके। ओके 10 मिनट में आ रहे हो आप? ओके हेलो। कौन 10 मिनट में आ रहा है इधर? बीएफ बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं आया क्या? कहीं गया है? पता नहीं। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, आप सुबह से बैठे हो इधर? आई थिंक 11 बजे से बैठे हो। हाँ उसने कहा था आएगा, वो मेरे पास अभी तक नहीं आया। कहाँ से हो तुम? मैं तो लखनऊ से। लखनऊ से हो? यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरे को लेकर आया था अपने साथ। कौन लेकर आया था? बीएस मेरा। क्या नाम है उसका? आरिफ। अच्छा वो तुमको लेके आया था? अच्छा कितना दिन हुआ? हो गए होंगे मिनिमम 25 दिन। वो कहाँ पर है? उसने मेरे से कहा था मैं आऊँगा, अभी तक नहीं आया है। पता नहीं कहाँ है। मैं फ़ोन करी सुबह से, अब फ़ोन लगा उसका, बोल रहा मैं बिजी हूँ। यहाँ कहाँ रहती हो तुम? यहाँ तो हमने एक रेंट पे रूम लिया था। कितने दिन था वो तुम्हारे साथ? यही 9-10 दिन। उसके बाद? उसके बाद कहाँ, मैं जा रहा हूँ काम पे, मतलब कि मैं थोड़े और पैसे मिल जाए। वो ऐसा हुआ क्या था, हम दोनों की रिलेशनशिप थी काफ़ी टाइम से, तो हमने ऐसे ही सोचा कि शादी वादी कर लेते हैं, तो शायद माँ बाप नहीं माने मेरे, तो वो मेरे को लेकर शायद कि नहीं माने। नहीं माने, तभी तो मैं यहाँ पे आई हूँ। अगर मान जाते तो मैं वहीं पे शादी नहीं हो जाती हमारी। वो कानपुर से था, मैं लखनऊ की। तो तुम उसके साथ यहाँ चली आई? हाँ मैं यहाँ। और वो कहाँ है अब? हम 9-10 दिन तो साथ में ही थे। अभी कहाँ है राइट टाइम पे? अभी नहीं पता मुझे। अब उसको गए हुए कम से कम 20 दिन हो गए, 20-21 दिन हो गए उसको गए हुए, अभी तक नहीं आया है। उसने मेरे से कहा था कि हम यहीं पे मिलेंगे, बट अभी तक आया ही नहीं है। मतलब श्योर नहीं है कि वो आएगा ही आएगा? पता नहीं, मैं 20-21 दिन से यहीं पे वेट करती हूँ। रोज़ आती हूँ यहाँ पे, जहाँ हमने रूम रेंट पे लिया था वहाँ से रोज़ मैं यहाँ पे आती हूँ देखने के लिए कि क्या पता आ जाए वो आ जाए। कितनी एज है तुम्हारी? 70। 17 साल की हो? लड़का 25। तो भाग के चली आई यहाँ? जी। तुम भाग करके चली आई? नहीं, उसने कहा था कि वहाँ जाके थोड़ा काम वाम करके पैसे वैसे करके फिर अभी शादी नहीं करेंगे, शादी बाद में करेंगे, बस तो मेरे साथ रहने लग जाओ। मैं नहीं रह पाता आपके बिना, क्योंकि हम मिल विल भी नहीं पाते थे, बहुत बहुत दिन हो जाते थे, हफ्ता भी नहीं, महीने हो जाते थे, क्योंकि वो कानपुर में रहता था। और मैं अभी क्या चाहिए? अभी क्या है? अभी बस वेट कर रही हूँ वो आ जाए। कितने दिन तक वेट करोगी यहाँ पे? 20-21 दिन तो हो गए। 20-21 दिन हो गए हैं। अब मैं जा भी तो नहीं सकती ना, मेरे पास पैसे में भी कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास। आप कौन हो? अच्छा मेरा जानना ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं आपने, मेरा जानना ज़रूरी है, मेरा जानना जरूरी है? नहीं आपने मेरे से जानना जरूरी है? नहीं जानना जरूरी तो नहीं है, बट आपने ऐसा पूछा ना आके तो मुझे। वो नहीं आने वाला। ऐसे मत। आने वाला? चलो भागो इधर से, जाओ घूमो कहीं अपना लेके ही सब सामान उमान, जाओ। अकल नहीं है तुम्हारे पास? खुद की दिमाग बुद्धि नहीं है? चुप रहो अभी, खुद बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है खुद की? कुछ तो थोड़ा तो पेशेंस होगा ना तुम्हारे अंदर? क्या है तुम्हारे अंदर फिर? खुद नहीं अपना दिमाग लगा लेती हो? खुद से नहीं सोचा? सोचा तो था। तो क्या सोचा हमें बताओ ना कि तुमने यही सोचा? सोचा था यहाँ पर आकर रहेंगे। हाँ तो अब रहो ना आराम से, रहो। है ही नहीं वो कहाँ उसके साथ के। हाँ तो ठीक है, मर जाओ फिर। मरना नहीं, कहाँ जाऊँ? जहाँ तुम्हारी मर्जी है वहाँ जाओ, हम थोड़ी ठीका लिए हैं।
नहीं, आपने पूछा ना मेरे से। आप चलो निकलो इधर से, जाओ जाओ, मैं इधर नहीं बैठने दूंगा, ये मेरा है ठीक है, ये इधर का इंचार्ज मैं हूँ, नहीं बैठने दूंगा इधर में। हाँ श्योर है, उठो जाओ अब। उसने कहा था वो? अरे उसने कहा था लेकिन नहीं आया ना वो, जाओ अब। हाँ वो नहीं आने वाला, 100% बता रहा हूँ, वो नहीं आएगा, 101% वो नहीं आएगा। बट उसने कहा, अरे छोड़ो, कहा था नहीं आएगा, मैंने बोला ना आएगा तो ठीक है, मैं जाऊँ वेट करने तो करो। खाना खाई हो? नहीं, नहीं खाई हो? पैसे हैं जेब में? पैसे होते तो मैं अब तक लखनऊ चले जाते अपने घर। घर वाले तुम्हें एंट्री दे देंगे घर में? अब नहीं देंगे। अब क्या करोगी? अब वो सपना था भूल जा, वो नहीं आने वाला जो अंदर 15 दिन से नहीं आया। फोन करके दो मुझे जरा, उसको फोन करो। फोन उठाता है ना? अभी तो उठा लिया था। हेलो, हेलो, काट दिया बंदे ने फोन। क्या करूँ मैं? थोड़ी बताओगा तुम क्या करोगी, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना, तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगी, मैं थोड़ी जानता हूँ। पहले तो मुझे लगा कि वो ठीक है। ठीक है बुरा है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता यार, नहीं वो अब तो नहीं आने वाला। अब चलो उठो इधर से निकलो अब। हाँ उठ जाओ मैडम, उठो 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 इधर से, जाओ अब जाओ कहीं और पे घूमो, आपका तो काम ही है घूमना। मैं वेट कर रही थी। नहीं कर, इधर नहीं करना, उधर जाओ, वो नहीं आने वाला, जाओ जाओ निकलो। साला देश भर का ठीक है, हम ही थोड़ी लेके बैठे हुए हैं यहाँ। सोचा है क्या करेगी जिंदगी में? सोचा तो बहुत। अभी क्या सोचा है? क्या होगा हमारा? कुछ नहीं होगा, तुम कहीं जाकर के इधर उधर कहीं घूमोगी, रोड पे पागल हो जाओगी, कुछ दिन पागल खाने में चली जाओगी, नहीं कहीं और चली जाओगी। इमोशनल होने से रोने वोने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा। वहाँ पे कैमरा लगा है, एक वीडियो बना रहा था मैं तुम्हारे साथ, देखो। और पिछले मैं तुम्हें 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। कैसी वीडियो? वो तुम छोड़ो, कैसी वीडियो वो तुम्हें नहीं पता होगी। पैसे है तुम्हारे पास? कान पकड़ो, दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगी कभी, पकड़ो कान। अगर करोगी तो भोगोगी। गाइस यार मेरा सर दर्द करने लगा यार, इन लोगों का सोचो 17-18 साल की हैं, भाग जाते हैं घर से, माँ बाप को उससे प्यार नहीं मिलता क्या जो उन चूतियों से मिल जाता है? काफी टाइम से। चुप रहो अब, तुम शांत रहो। होटल का पैसा नहीं दिया है कि दिया है? रेंट पे, रेंट पे रूम लिया है, पैसा दिया है? एक महीना होने वाला है, पता नहीं, बात हुई थी। अभी पैसे हैं तुम्हारे पास? अभी ठीक है गाइस, जो भी है इसका मैं देखता हूँ, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नहीं ले पाऊंगा। अगर 16-17 साल की लड़कियां ऐसी काम करती हैं तो वो अपना खुद देखें। चलो ठीक है, हमारे साथ तुम्हारे घर छुड़वाते हैं हम तुमको।